नारी का सौंदर्य उसके स्तन पे काफी निर्भर करता है। एक सुंदर अच्छी देखने में ब्रेस्ट से नारी सिर्फ सुंदर नहीं लगती बल्कि बहुत अपने आप को में अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करती है, खुश रहती है और औरों की नजरों में खूबसूरत लगती है। यही सब कारणों से आज की तारीख में दुनिया में सबसे कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी ऑपरेशन जो महिलाओं में होता है वो है सन को बड़ा करना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बोलते हैं उसको, या ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी जो करते हैं हम, 2 से 3 घंटे लगते हैं ऑपरेशन करने में और पेशेंट उस दिन घर चला जाता है, हॉस्पिटल रहने की जरूरत नहीं है। एक बैंडेज होती है ब्रेस्ट पे जो हम 5 दिन बाद हटा देते हैं, फिर एक छोटी बैंडेज होती है और 10 से 14 दिन में सब बैंडेज हट जाती है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स व्हाटसोएवर। इसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ, जो मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसमें खराबी क्या, बहुत उन्नति हो जाती है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अगर आपका बच्चा हो आप उसको नॉर्मली दूध पिला सकते हैं। और बहुत सारे गलत आइडियाज हैं कि कैंसर हो सकता है, इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद हम लोग ब्रेस्ट को काट के निकाल देते हैं, कई बार नई ब्रेस्ट बनाने के लिए हम ब्रेस्ट इम्प्लांट यूज करते हैं। जिनकी शादी 4, 5, 6, 7, 8 साल हो गई है और उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो अट्रैक्शन है, थोड़ा कम हो गया है, खिंचाव कम हो गया है, यहाँ पे मगर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करने के बाद, ब्रेस्ट को बड़ी करने के बाद एक नई तरह से एक चाहत पैदा हो जाती है, एक अट्रैक्शन बन जाती है और उनके पारिवारिक जीवन में, उनके कॉन्जुगल लाइफ में काफ़ी उन्नति हो जाती है। ऑपरेशन करने के लिए हम एक इम्प्लांट यूज़ करते हैं जो बाहर से मंगाते हैं। आजकल इम्प्लांट यूरोप और अमेरिका से काफ़ी आते हैं, हम अच्छा इम्प्लांट यूज़ करते हैं। आजकल कई सस्ते इम्प्लांट भी निकल गए हैं, कोरिया का इम्प्लांट है, चाइना का इम्प्लांट है, लेकिन याद रखिए ये इम्प्लांट आपके बदन में ज़िंदगी भर रहेगा और अच्छा इम्प्लांट लगाना बेटर है। सस्ता इम्प्लांट एक बार के लिए सस्ता, लेकिन बाद में थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। इम्प्लांट को अंदर डालने के लिए हमें एक कट करना पड़ता है, इंसिजन देनी पड़ेगी। हम इंसिजन 3 जगह दे सकते हैं, आपके निप्पल में दे सकते हैं जहाँ कोई दाग नज़र नहीं आता। जब निप्पल में काटते हैं, निप्पल और स्किन के जंक्शन में काटते हैं, कोई दाग नज़र ही नहीं आता। हम ब्रेस्ट के नीचे भी दे सकते हैं, 2 इंच करीब दाग होता है, हम ब्रेस्ट को उठाने से दाग होता है, दाग नज़र नहीं आता। कुछ दिनों पहले आर्मपिट में देने का एक रवैया चला था, लेकिन आर्मपिट में देने में 2-4 प्रॉब्लम नज़र आए, ब्रेस्ट की शेप अच्छी नहीं बनती, हम पॉकेट को मीडियली अच्छा बना नहीं सकते और जो स्कार है, जब भी पेशेंट हाथ उठाता है नज़र आता है, इसलिए आर्मपिट में ज़्यादा दिया नहीं जाता। दुनिया में 65% इंसिजन आज की तारीख में निपल से होती हैं, 33% नीचे से होती हैं और सिर्फ 2% आर्मपिट से होती हैं। कितना बड़ा इम्प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंड करता है आपका लूज स्किन कितना है। कई पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा लूज स्किन है, बहुत ही लूज है, बहुत जगह है, वहाँ पे हम लेकिन बड़ा सा इम्प्लांट डालकर एक बड़ी ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। कईयों का स्किन लेकिन बहुत टाइट है, जगह नहीं है, ब्रेस्ट टिश्यू ही बहुत कम है, वहाँ पे लेकिन बहुत बड़ा इम्प्लांट नहीं डाल सकते। हाँ, आपने एक बार इम्प्लांट डाल दिया और आप चाहें तो 6 महीना 1 साल 2 साल बाद जब स्किन थोड़ा लूज हो जाएगा आप फिर इम्प्लांट चेंज करें और बड़ा इम्प्लांट डाल सकते हैं। ये इम्प्लांट आपके बदन में ज़िंदगी भर रहता है। एक और गलत धारणा है कि इम्प्लांट चेंज करना पड़ता है बार बार, 10 साल या 20 साल के बाद चेंज करना पड़ेगा। आजकल जो 4th जनरेशन इम्प्लांट हैं ये ज़िंदगी भर रहते हैं, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सब्सिक्वेंटली अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी आप नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर सकेंगे, जैसे मैंने बताया, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर ब्रेस्ट में कभी कोई प्रॉब्लम आया भी, अगर आपको मैमोग्राफी करनी है, अल्ट्रासाउंड करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इम्प्लांट ब्रेस्ट से अलग रहता है। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, स्टैटिस्टिक्स ने दिखाया है कि जिन औरतों ने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया है उनको अगर कभी भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो जल्दी डिटेक्ट हो गया। क्यों? जिसने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराया औरत ने, वो ब्रेस्ट लेके ज़्यादा सचेतन हो जाती है, ज़्यादा केयरफुल हो जाती है, ब्रेस्ट एग्जामिन करती है। और अगर ब्रेस्ट में कभी भी लंप बना, लंप अगर इम्प्लांट के लिए नहीं बन रहा है, लंप ऐसे भी बनता, करने से भी बनता, नहीं करने से भी बनता,
उसका उसको पहले ज्ञान हो जाता है, पहले उसको मालूम पड़ जाता है, और इसके लिए वो डॉक्टर बस पहले जाती है, पहले इलाज करा लेती है और फैलने के पहले ही ये कैंसर को हटा सकती है। मैंने आज तक 700 से ज़्यादा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किए हैं। मैं 1994 25 साल हो गए हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। पेशेंट बहुत खुश हैं। जितनी सर्जरी हम कॉस्मेटिक सर्जरी में दुनिया में होती हैं, ये सबसे कॉमन है। पेशेंट सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पेशेंट को एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया आत्मविश्वास, अपने चेहरे को सुंदर देखने की इच्छा का एहसास होने लगता है। और इसीलिए नारी का ये महत्वपूर्ण रूप को वापस लाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बहुत कॉमन ऑपरेशन है। अगर आप में कोई त्रुटि है, कोई अभाव है, कोई कमी है, तो डरिए मत, घबराइए मत, कोई सोचने की बात नहीं। आइए हमसे परामर्श करिए, हम कोशिश करेंगे आपके समस्या का समाधान करें और आपको एक नया रूप, एक सुंदर रूप और एक मन के चाहत वाला फिगर देके खुश करें।